नमस्कार, सिरसा के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने अपने सिरसा के हर गांव से वहां की अपडेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि किस गांव में किस तरीके के हालात हैं और वहां पर किस तरीके से आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं या फिर आप कोरोना को हरा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में रखिए आप अपनी राय ताकि लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके। आज सिरसा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी शानदार खबर है कि आज कोरोना के 490 मरीजों ने कोरोना को मात देते हुए घर वापसी की है और आज कोरोना के पॉजिटिव आंकड़े भी पिछले 3-4 दिनों की तुलना में कम हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे संकेत और सिरसा वासियों के लिए ये खुश करने वाली खबर है कि अब काफ़ी हद तक कोरोना के ऊपर जो अंकुश लगना शुरू हो चुका है। जहां पर 490 मरीजों के ठीक होने के बाद अब कुल संक्रमित मरीजों का, ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है कोरोना के बाद, वो 14,820 पर जा पहुंचा है। वहीं पर देखें तो 4,000 से ज़्यादा मरीज अब होम आइसोलेट हो गए हैं, जिनका घर से इलाज चल रहा है, और 427 ऐसे मरीज हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, यानी कि जिनमें से 22 की हालत क्रिटिकल है। 405 ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन की सपोर्ट पर हैं। फिलहाल सिरसा में 1,659 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1,067 की रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है और कुल मिलाकर सिरसा ज़िला में 3,21,815 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और कुल संक्रमित मरीजों का अब जो आंकड़ा है सिरसा में वो अब 20,085 पर जा पहुंचा है। और रिकवरी रेट की बात करें तो वो 73.78% है और पॉजिटिविटी रेट है वो 6.24% का। आज 438 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार मुश्किलें एलनाबाद, चौटाला, सिरसा, डबवाली में बरकरार है। हालांकि कल और परसों के मुकाबले देखा जाए तो संख्या ज़रूर कम है। तो चलिए सिलसिलेवाइज तरीके से बात करते हैं। सिरसा अर्बन से 216 केस आए हैं, डबवाली अर्बन से 35 केस आए हैं, एलनाबाद ब्लॉक से 58 केस हैं, कालांवाली से 18, ओढ़ा से 17, नाथूसरी चौपटा से 10, मातो से घाना से 15, रानिया से 10, चौटाला से 40 केस और बड़ागुड़ा से 19, तो कुल मिलाकर 438 पॉजिटिव केस आए हैं। मगर एक दुखद खबर इन सब के बीच में यह कि 7 मरीजों की मौत हो गई है। तेज हरियाणा उन तमाम लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है जो कोरोना से ज़िंदगी हार गए। 47 वर्षीय महिला पन्नीवाला मोटा से है जो डेड हुई है। 54 वर्षीय फिर महिला नाथूसरी कलां से है। 68 वर्षीय पुरुष भारत नगर सिरसा से है। फिर 60 वर्षीय एक पुरुष सिरसा से है। 52 वर्षीय महिला वेदवाला सिरसा से है। 48 वर्षीय महिला घोड़ावाली सिरसा से है। 55 वर्षीय महिला जो कि सिरसा से है, जो कि हार्ट पेशेंट थी और इसकी मौत हुई है। तो अब ज़्यादातर आंकड़ा है वो कल भी आपने देखा होगा, 5 महिलाओं की मौत हुई थी और आज भी आंकड़ा महिलाओं का देखें तो कुल मिलाकर 5 बनता है। तो महिलाएं ज़्यादा संक्रमित हो रही है और कुल सिरसा में मृतकों की संख्या 232 पर जा पहुंची है। आप सभी से यही बार बार गुजारिश है, जितना हो सके घर पर रहिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। अगर छोटी मोटी कोई भी तकलीफ हो तो घर पर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की सलाह लें, परामर्श ले लें, ताकि रहते समय ही आपका इलाज है वो पूरा हो पाए। लेकिन सिरसा के इरादे बुलंद लग रहे हैं। लगातार हम देख पा रहे हैं कि रिकवरी रेट में सुधार हो रहा, लोग कोरोना से ज़िंदगी की जंग है वो जीत रहे हैं। लेकिन ज़रूर इतनी चिंता है कि मृतकों का आंकड़ा भी रोज़ाना बढ़ रहा है। हरियाणा की ओवरऑल हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं तो हरियाणा में कोरोना गांव-गांव में पसरने लगा है। कई गांव में संदिग्ध हालात में मौतें हो रही है। घर घर में बुखार, खांसी, जुखाम के मरीज हैं, लेकिन लोग कोरोना जांच के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मौतों के आंकड़े से प्रशासन में हड़कंप है। लोगों का मानना है कि कहीं एक दिन से 4 तो कहीं 5 शव उठाने पड़ रहे हैं। जिंदगी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। रोहतक के गांव में संदिग्ध हालातों में मौतों ने प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है।
कई गांव में एक सप्ताह में 5 से लेकर 20 लोगों की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। खराबड़ गांव में पिछले 3 दिन में 12 लोगों की मौत हुई है। खराबड़ के लोगों की माने तो करीब 40% घरों में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार गांव में टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति को अपनाएगी, मगर इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से टीमें, हरियाणा में 6000 से ज़्यादा गांव हैं, वहां पर इन टीमों को उतार देना चाहिए। और ऐसे हालातों में हम सबका फर्ज बनता है कि जितना हो सके हम एक दूसरे की मदद करें, लोगों को जागरूक करें। ये वक्त डरने और घबराने का नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने का है, और वो भी ऐसी घड़ी में जब जिंदगी हार रही है और ऐसी भयानक बीमारी जो ऊपर हो रही है। उस हालातों में लोगों को हौसला दीजिए, आप लोगों को एडवाइस दीजिए, वो घर पर रहें, क्योंकि अगर हम जिंदा रहे तो ये कमाई फिर भी कर सकते हैं। लेकिन अब उस जद्दोजहद में हम ये अपना आर्या रुख ना अपनाएं कि हम लोग बाहर निकलेंगे, सरकार को कुछ करना चाहिए। क्या ऐसे हालातों में आपको लगता है कि क्या वाकई में ही लॉकडाउन ढीला छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में हालात बदतर होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो यही लगता है कि अब हालातों को काबू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा देनी चाहिए, ताकि लोग अपने आप घरों में रह सकें। ना सिर्फ इस महामारी का असर आम लोगों पर बल्कि कोरोना योद्धाओं पर भी है। हरियाणा में 2 डीएसपी और 21 पुलिस जवानों को अब तक हम खो चुके हैं। हर 12वां पुलिसकर्मी संक्रमित मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत मुश्किल पैदा करने वाली अपडेट है। कोरोना के खतरे के बीच लोग जहां घरों में कैद हैं, सड़कों पर ड्यूटी कर रही पुलिस संक्रमण से बच नहीं पा रहे हैं। वे न केवल पॉजिटिव हो रहे हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा रहे हैं। नारनौल में आरएटी सचिव पद पर कार्यरत डीएसपी वीरेंद्र सिंह को कोरोना ने लील लिया। वे रोहतक के प्राइवेट हॉस्पिटल में 15 दिनों से एडमिट थे। वहीं पर कोरोना वायरस से बादली के डीएसपी अशोक दहिया की भी जान जा चुकी है। प्रदेश में करीब 55,000 पुलिसकर्मी हैं। अभी हर 12वां पुलिस कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव हो गया है। राज्य में करीब 70,000 पद हैं, 15,000 पद खाली हैं। इसलिए भी पुलिस कर्मचारियों का ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है। करीब 7200 पदों की भर्ती अभी पाइपलाइन में है। तो ऐसे में हम सब, आप सभी यही प्रयत्न करें कि जितना हो सके हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, और घर पर अपना ट्रीटमेंट आप खुद ले सकते हैं। डॉक्टर्स की 24 घंटे लाइन है। आप कुछ उपाय हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, चाहे वो पोस्ट के जरिए हो या फिर बोलकर बताने के जरिए, वीडियो के जरिए हो, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा ऐसी नेगेटिव खबरों को भी ना सुनिए जो आपको मनोबल तोड़ दे। ऐसे में आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश, आप मास्क पहनिए, घर पर रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।